ओम शांति। आज का विषय मामा की पालना का है। बड़े खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हमारे परिवार का जन्म ही मम्मा द्वारा हुआ है। जैसा कि शायद सुना होगा आप सभी ने कि मम्मा लखनऊ में आई हुई थी और हमारे लौकिक पिताजी क्लास में बैठे थे, तो मम्मा ने बोला कि कौन है जो शिव बाबा का संदेश जन जन को देगा, और जिन आत्माओं ने आधा कल्प से वर्षा खोया है वो बाप से अपना वर्षा ले लेंगे। तो जो भी भाई बहन क्लास में बैठे थे वो सब शांत थे। जो हाथ उठा वो हमारे पिताजी का उठा। तो मम्मा ने कहा अच्छा क्लास के बाद मिलना। जब क्लास के बाद मिले तो मम्मा से पूछा, मम्मा हम देंगे संदेश? तो मम्मा ने कहा नहीं, जाके अपने घर में चैरिटी बिगिंस एट होम अपने परिवार को ये ज्ञान पहले दो। तो मम्मा के द्वारा ही चित्र मुरली सब लखनऊ से मिला। तो ऐसे ही कहेंगे कि मम्मा निमित्त बनी हमारे पूरे परिवार को बाबा का बनाने में। और जब मैं इस ज्ञान में आई और बाबा के पास गई तो मम्मा जो है, मैंने पहली बार मम्मा को देखा, उसके पहले नहीं देखा था। जब देखा तो मुझे बहुत इतना खींच हुई मम्मा से, इतनी आकर्षण थी मम्मा के अंदर। मम्मा का जो व्यक्तित्व था, मम्मा के चेहरे पे जो तेज था, जो एक सौम्यता थी, वो देख करके लग रहा था कि बस मम्मा को देखती जाऊँ। और मैं क्लास में बैठ के मम्मा को देखती रही कि ये बच्ची तो बहुत जैसे तो प्यासी है। फिर मम्मा ने मुझे बुलाया और मम्मा ने जब बुलाया तो बाबा ने परिचय कराया। तो मम्मा कहती है कि दुनिया के अंदर माँ बच्चे को बाप का परिचय कराती है और यहाँ बाप माँ का परिचय करा रहा है। ये वंडरफुल बात है ड्रामा में। तो बाबा ने मेरा पूरा परिचय मम्मा को दिया कि मैं कैसे ज्ञान में आई, कैसे बाबा लेके आए। तो बाबा ने सारा मम्मा को सुनाया। तब मुझे भी लगा कि बात तो सही है कि माँ ही बच्चों को परिचय कराती है पिताजी का, पिताजी की गोद में देती है। लेकिन यहाँ पिताजी अपने बच्चों का परिचय माँ से करा रहे हैं। तो मम्मा ने एकदम मुझे आगे बुलाया और बुला करके मेरा हाथ पकड़ के गोदी में बिठा लिया। बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि आंसू आ गए। तो फिर मम्मा जो थी, मैंने अनुभव किया जैसे कि मम्मा के अंदर एक बहुत शक्ति है। तब सकाश शब्द का ज्ञान नहीं था, लेकिन ये लग रहा था कि मम्मा से कुछ हमें ऊर्जा मिल रही है, ताकत मिल रही है। और मम्मा का जो गोद थी, मम्मा का हाथ पकड़ा मैंने, तो लगता था मम्मा कोई रुई की बनी हुई है, फॉर्म की बनी हुई है। हड्डी तो लगी नहीं रही थी कि कोई हड्डी का भी है। तो ऐसे लग रहा था कि बस मम्मा की गोद में बैठे रहें। तो मम्मा एक जैसे शीतला देवी के रूप में शीतल छा आत्मा को महसूस हो रही थी। मम्मा के द्वारा बहुत शीतलता मिली। ऐसे लग रहा था जैसे कोई प्यासे को झरने का ठंडा पानी मिल गया हो, या कोई तपते हुए को एक तरवर की छाया मिल गई हो। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और मैं भी मम्मा की गोदी से नहीं उतर रही थी और मम्मा भी प्यार करती जा रही थी। और ये तो सुना था कि मम्मा जगत माँ है, मातेश्वरी जगत अम्बा है, और ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा इस यज्ञ की स्थापना, सृष्टि के नवनिर्माण में ब्रह्मा सरस्वती का रोल है। तो सरस्वती माँ जो विद्या की देवी, तो मुझे भी लगा कि मम्मा इतनी प्यारी है, अच्छी है। तो साथ साथ इसी कारण ही बाबा ने मम्मा के सिर पे ज्ञान अमृत का कलश रखा। और मम्मा को जब मैं देखा तो मुझे ऐसे ही महसूस हुआ कि मेरे को कल्प कल्प ये माँ मिल गई है, यही मेरी माँ है। और अपनी लौकिक माँ तो याद भी नहीं आई, कोई नहीं याद आया, तो मम्मा और बाबा बस मुझे दोनों ही मिल गए हैं। फिर मम्मा ने बहुत प्यार किया। मम्मा ने कहा अच्छा, तो मम्मा ने बहुत प्यार से मेरे से बातें की। और एक विशेषता देखी कि मम्मा, मैं इतनी छोटी थी, मुझे तुम नहीं कहा। हमारे घर में भी सभी तुम कह के बात करते थे बड़े, लेकिन मम्मा इतनी महान, सारे विश्व की जगत माता, और मुझे आप कह रही है, तो बहुत ही जैसे कि मुझे शर्म सी लग रही थी कि मम्मा इतना सम्मान दे रही है और आप कह के बात कर रही है। फिर मम्मा के अंदर रहते रहते मधुबन में साथ में मैंने बहुत विशेषताएं देखी कि मम्मा जितना ही गंभीर थी, बहुत गंभीर थी मम्मा में, जरा भी हल्कापन बोलने में, चालने में, चलने में कहीं नहीं लगता था।
तो जितना वो गंभीर थी उतना ही मम्मा बहुत रमणीक भी थी, बहुत रमणीक थी। मम्मा से कभी भय नहीं लगता था, अच्छा लगता था मम्मा के पास जाना बैठना और मम्मा के साथ रहना, बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने देखा कि मम्मा केवल सरस्वती नहीं है विद्या की देवी, क्योंकि मम्मा के जो वाक्य होते थे, जो शिक्षा होती थी, वो एक तरह से जैसे गुरु की शिक्षा। अब शिक्षा में शिक्षा, जैसे कहा जाता है कि जैसे केले के पात पात में पात होता है, तो मम्मा की बात में भी इतनी गुह्यता होती थी कि उसका इतना ज्ञान में ज्ञान है भरा हुआ है। तो मम्मा के अंदर इतनी गहराई थी, अंदर से जैसे कोई सागर की गहराई और मोतियों से भरा हुआ है। बाबा की तो बोलने में लहरें लगती थी, लेकिन मम्मा की एकदम शीतल और बहुत ही शांति की लगती थी। शायद इसीलिए शीतला देवी नाम पड़ा है। अगर माँ विद्या की देवी सरस्वती है तो शीतला माँ भी है, बच्चों को शीतल करने वाली। कोई कितना जोश में हो, कोई कारण से उखड़ा हुआ हो, तो देखा है मम्मा उनको दृष्टि देते देते एकदम शांत कर देती थी, शीतल कर देती थी, और वो भी बिल्कुल शीतल हो जाता था। और मम्मा जैसे दिखाया है अपने संगम पर कि सरस्वती गुप्त है। दो नदियां तो दिख रही हैं, गंगा जमुना, पर सरस्वती गुप्त है। वास्तव में मम्मा का हर बात गुप्त होता था। जैसे कोई डिस्टर्ब है, मम्मा से बात कर रहा है, तो मम्मा उसकी बात को सुन करके समा लेती थी। जैसे गुप्त, कुछ सुना ही नहीं है, है ही नहीं, और कभी भी किसी को ये नहीं कहती थी देखो ये डिस्टर्ब है या कोई बात है, केवल वो जाने और मम्मा जाने। तो इसलिए शायद सरस्वती को गुप्त रीति से दिखाया। और मम्मा कभी भी अपना किया हुआ वर्णन नहीं करती थी। मम्मा बहुत ही आत्म अभिमानी, अशरीरी, अव्यक्त रूप से। एक बार मम्मा बेंगलोर गई थी सेवा पर, जब बेंगलोर से लौट करके आई तो बाबा ने कहा मम्मा तुम इतनी प्रजा बना करके आई हो तो कितके खाते में जाएगा, तुम्हारे कोई श्रेय है इतनी सेवा किया है, और बाबा तो यहाँ बैठा हुआ है। तो मम्मा ने कहा नहीं बाबा, मेरी प्रजा नहीं है, वो आपके ही राज्य में आएगी। आप विश्व महाराजन बनेंगे तो मेरी बनाई हुई प्रजा भी आपके ही राज्य में आएगी, मेरी नहीं है। तरह से मम्मा जैसे कोई अभिमान नहीं कि मैंने इतनी सेवा की, इतने अच्छे को निकाला। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, अगर मेरे हिस्से में आएगी, मैं विश्व महाराजन बनूंगा, तो मम्मा आप विश्व महारानी बनेंगी। तो कहा गया है कि राज राजा का और हुक्मरानी का, तो हुक्म तो मम्मा आपका ही चलेगा सतयुग में। तो ऐसे चिटचाट मम्मा बाबा की चल रही थी। पर मम्मा को कभी नहीं कि मैंने सेवा किया तो कोई मान हो, मेरा नाम हो या मान शान का कुछ हो नहीं, या कोई मुझे महिमा करे कि मम्मा बहुत सेवा करके आई है। तो इतनी निरहंकारी मम्मा थी। और मम्मा को हर कार्य में मैंने सब कुछ अपने आँखों से देखा। मम्मा इतनी शक्तिशाली भी थी कि अगर किसी के अंदर कोई कमी कमजोरी है तो मम्मा बात करके, दृष्टि दे के उसकी कमजोरी को ख़त्म कर देती थी। तो एक तरह से मम्मा का काली रूप भी था। मम्मा की दृष्टि से, मम्मा की शक्ति से, जैसे कहते ना काली ने असुरों का संहार किया, तो आसुरी संस्कार का संहार मम्मा कर देती थी। और वो आत्मा अपने विकारों की बलि मम्मा के आगे छोड़ देता था, चढ़ा देता था। इसलिए शायद कलकत्ते में यादगार है कि मम्मा के ऊपर वहाँ पे जो है काली के ऊपर बकरे की बलि चढ़ाते, पर यहाँ कौन सी बलि चढ़ाते, जो मैंपन की थी कि मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो इसकी बलि चढ़ाई। तो काली की ये बलि है जो मैंपन है, जो बकरे की एक जन्मजात बोली है, मैं पन को बलि चढ़वा देती थी। और हर कार्य में मम्मा प्रवीण थी और हर कार्य करने को तैयार थी। क्लास के बाद में कभी सब्जी काटना होता था, कभी मसाला कूटना होता था, बहुत बड़े बड़े लोहे के इमाम दस्ते थे, और जो मुसली थी बहुत बड़ी बड़ी कूटने वाली थी। तो उस समय मशीन के मसाले नहीं होते थे पिसे हुए, मोटी मोटी हल्दी, मिर्चा, धनिया सब कूटा जाता था। तो बाबा भी हाथ लगाते थे, मम्मा भी कूटती थी, फिर सब भाई बहन देख के पहुंच जाते थे। एकदम बिजली तरह खबर पहुंचती थी कि मम्मा मसाला कूट रही है, बाबा मसाला कूट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो सब हम लोग पहुंच जाते थे। तो मम्मा ने कहा ना जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख के दूसरे करेंगे। तो मम्मा ने कह के नहीं काम कराया, मम्मा ने करके दिखाया, हर कार्य करके दिखाया। और यहाँ तक कि मम्मा जब बाबा मुरली चलाते थे तो बहुत ध्यान से सुनती थी, बहुत ध्यान से, और एक एक बात को अपने अंदर उतारती जाती थी, उसका मनन चिंतन करती थी। तो जैसे
बाबा कहते थे तुम्हारी माँ बच्चों के लिए माजून तैयार करती है। उसको सुन करके बहुत सरल करके सरल शब्दों में फिर मम्मा सुनाती थी। तो पहले मम्मा आधा घंटा सुनाती थी क्लास में, फिर उसके बाद बाबा जाके मुरली चलाते थे। तो मम्मा पहले योग करा के क्लास करा लेती थी। और मम्मा बाबा का भी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, हाँ के सिवाय हाँ जी जी बाबा जी बाबा जी बाबा, कभी ऐसा कुछ नहीं जो बाबा ने कहा तो वो जी बाबा कह के सब सुन लिया और धारण कर लिया, वो सारा कार्य करती। और बाबा के लिए भी बहुत था कि बाबा की कोई बात अगर मम्मा ने सुना तो वो उसको तुरंत फॉलो करती थी। एक एक बोल बाबा के वर्सन्स को वो हीरा समझ के अपने दिल रूपी तिजोरी में समा लेती थी। और मम्मा को यज्ञ से बहुत प्यार था, जितना बाबा से प्यार उससे ज़्यादा यज्ञ से प्यार। और इतना प्यार था कि जब सवेरे गुरुवार का दिन आता था मम्मा अपने हाथ से भोग बनाती थी, कहती थी कि देखो मैं भी कई बार बोला, भोली दादी बोलती थी मम्मा मैं बना लूँगी आप मुरली जाके सुनाओ, मम्मा कहती थी नहीं तुम तैयारी करके रखो। तो पहले मम्मा भोग बनाती थी फिर क्लास में जाती थी। तो मम्मा ने कहा कि किसी का विदेश से भाई आए, पिताजी आए, रिश्तेदार आए, तो वो जो है अपने हाथ से प्यार से भोजन खिलाएंगे। वो तो करके 3 साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद आएगा, और हमारा माता पिता बंधु सखा सतगुरु वो जो सब है वो तो 5000 साल के बाद आया है, तो परम धाम से इतना दूरी से आया है। तो मम्मा बहुत प्यार से इसलिए बाबा के लिए भोग तैयार करती थी और अपने हाथों से तैयार करके थाली में रख करके उसके बाद जाके मम्मा मुरली सुनाती थी। तो इसी तरह से बहुत मम्मा को प्यार था। और एक बार क्या हुआ कि कितनी मम्मा को कदर थी, पालक थी तो मैं पालक को साफ कर रही थी, तो मैंने तो ऊपर ऊपर के पत्ते तोड़ दिए और उसके नीचे जो छोटी छोटी पत्तियां निकली होती ना किल्ले वो छोड़ दिया, तो पूरी पालक ही गाय को खिला दी जाती थी, तो उसका तो कोई मुझे कदर नहीं था। फिर मम्मा ने उसमें से सब में से तोड़ा निकाला, कहा देखो इतना इसमें से निकला एक के हिस्से का है, ये बर्बाद हो जाता। तो मम्मा की उस सीख से ये सीखने को मिला कि कोई भी चीज़ नहीं बर्बाद करनी, एक पत्ती भी बेकार नहीं जाने देना है, क्योंकि वो यज्ञ का है। तो इसी प्रकार मम्मा एक एक बात सिखाती रही, सीखते रहे। फिर एक दिन मम्मा ने मेरे से पूछा कि तुम जो मुरली सुनती हो तो किस स्थिति में बैठ के सुनती हो। मैं चुप थी क्योंकि वैसे तो आगे कन्याओं को बिठाते, मैं भी आगे ही बैठी थी और सभी पीछे बैठते थे, पहली लाइन हमारी होती थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो मम्मा ने कहा देखो जब भी मुरली सुनो अव्यक्त स्थिति में अशरीरी होके सुनो और एकाग्र होके सुनो और सुनाने वाले की आंखों में आंख मिला के सुनो और उसको धारण करो। अगर एकाग्रता से नहीं सुनेंगे, दृष्टि से दृष्टि नहीं मिली होगी, तो बीच में माया क्या करेगी, वे मुरली का जो है ना भोजन वो खा लेगी, और जब वो खा लेगी तो माया हो जाएगी तंदुरुस्त और तुम्हें तो खुराक मिलेगी नहीं, केवल बैठ के सुन रही हो तो तुम पड़ जाएंगी कमजोर। तो माया खा के तंदुरुस्त होके फिर तुम्हारे पर लड़ाई करेगी, वार करेगी। जैसे मम्मा ने कहा कोई ड्रिल टीचर होता है, जब वो ड्रिल कराता है तो करने वाले बिल्कुल अटेंशन से उसी तरह ध्यान रखते हैं, अगर उनकी नज़र इधर उधर चली गई तो वो वैसा ड्रिल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से वो भी समझ में आया है कि हमें मुरली के टाइम पर किस प्रकार से और किस अवस्था से मुरली को सुनना है। तो एक बारी मम्मा इकोनॉमी की भी अवतार थी, तो इकोनॉमी सिखाने वाली, तो उस समय मधुबन में इतना कोई संपन्नता नहीं थी इतना जिस आज बहुत ही हमें दिखाई देता है, और कैसे इकोनॉमी से यज्ञ चलता था। तो मम्मा ने सभी को, सभी जो रहने वाले थे और मैं भी गई थी, तो एक बट्टी साबुन कपड़ा धोने का मिलता था मास भर में और एक मिलता था स्नान का। और चूँकि वहाँ पे इतनी खुश्की होती आबू में जो परमानेंट रहते तो उनके स्किन भी खुश्क हो जाते थे, तो उनको सरसों का तेल मिलता था कि बदन में लगा लेंगे तो खुश्की नहीं होगी, तब कोई बॉडी लोशन और बॉडी क्रीम नहीं होता था, सरसों का तेल मिलता था। तो मेरा जो बास साबुन, क्योंकि हफ्ते में एक बार विश्वरतन दादा भाइयों के कपड़े की भट्टी चढ़ाते थे और एक बार बहनों के कपड़े की चढ़ाते थे, सोडा वगैरह डाल के भट्टियाँ चला के पकाया जाता था, और विश्वरतन दादा फिर वो जैसे धोबी का पाटा होता था उस पर पीटते थे और सब कपड़े को पानी से धो के निकालते थे। तो मेरी जो साबुन की भट्टी थी वो तो 3 हफ्ते में ही ख़त्म हो गई। तो मैंने बोला मम्मा
साबुन तो मेरा खत्म हो गया। मम्मा ने कहा कैसे, अभी तो मास पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा मम्मा मैंने कपड़ा ही तो धोया है और क्या किया है। मैंने कहा कैसे धोती हो। फिर मम्मा ने सिखाया, मम्मा ने कहा देखो कपड़ा पूरा नहीं खराब होता है, गंदा नहीं होता है, नीचे का जो बॉर्डर है किनारी है वो गंदी होती है, और ब्लाउज का कफ और कॉलर गंदा होता है। तो वो बताया मम्मा ने इसे उठा के पल्ला और ऐसे ऐसे चुन्नट पूरी साड़ी का करके दिखाया, कहा देखो ऐसे हाथ में पकड़ो और साबुन को पानी लगा के इसे हाथ से पोंछ के ऐसे रगड़ो, तो सारी जो किनारे की है वो जरा से साबुन में साफ हो गई, और हल्का सा साबुन लगा के फिर तुम्हारे सब धुल गए। तो ऐसे कफ लगाओ ब्लाउज का तो ज़्यादा नहीं खर्चा होगा। जब मैंने करके देखा तो जो मेरा एक हफ्ता पहले जब बट्टी ख़त्म हुई थी और एक मास आगे मुझे मिलेगी, वो मेरी चार हफ्ते के बजाय पाँच हफ्ते वो मेरे साबुन की बट्टी चली। इस तरह जो मम्मा ने सिखाया कि कैसे वस्त्र धोना है और कैसे कम खर्च वाला नशीन, यज्ञ का ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है। अच्छा आप तेल है, छोटा तेल मिलता, थोड़ा सा मिलता, तो मम्मा ने सिखाया नहीं ऐसे नहीं करो, हाथ की हथेली पे पानी का बूंद डालो पहले, फिर दो बूंद तेल डाल के उसको हाथ में रगड़ के मिला लो, फिर लगा लो, तो वो तुम्हारा कम में हो जाएगा। तो इस तरह से मम्मा ने हर चीज़ को किफ़ायत इकोनॉमी से सिखाया, तो वो भी वहाँ पर सीखा मम्मा से। फिर एक दिन ऐसे बात आई तो मम्मा ने कहा कि देखो तुम कभी भी झूठ नहीं बोलना, लाइफ में एक सच्चाई का गुण धारण कर लो, अगर सच्चाई है तो सफाई भी है, और सफाई भी है तो ईमानदारी भी है, तो एक जो है अनेक गुणों को ले आएगी तो खुश रहेंगी, और झूठ बोलने वाले को तो बहुत बातें सोचनी पड़ती है, वो यही भूल जाएगा, उसको याद रखना पड़ेगा कि मैंने कौन सा झूठ बोला था, तो दोबारा वही बोले जो बात ना बदल जाए। तो झूठ को याद करेंगे या शिव बाबा को याद करेंगे, तो कभी भी निडर होकर के सच्चाई कर देनी है, ये ना सोचना डर के मारे कि झूठ बोल दें। तो ये तुम अपनी लाइफ में एक धारण कर लो, कभी भी पक्का करो झूठ नहीं बोलना है। तो मम्मा का जो कहना होता था वो दिल के अंदर ऐसा उतर जाता था कि मुझे कोई दृढ़ प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो पक्का हो गया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो एक बार क्या हुआ कि समय पर झूठ बोलना पड़ा मुझे। वो क्यों बोलना पड़ा, जब मैं कानपुर में आई तो यहाँ से दिल्ली से ट्रेन चलती थी अपर इंडिया गाड़ी, वो कलकत्ता सीधा जाती थी, और कलकत्ता से चलती थी वो दिल्ली जाती थी। आने और जाने का टाइम कानपुर में सेम था, एक प्लेटफॉर्म पे जाने वाली खड़ी है तो दूसरा कलकत्ता से आने वाली खड़ी है। कभी कभी तो मुसाफिरों को धोखा हो जाता था, अपर इंडिया में बैठना कुली बिठा देता था। तो वहाँ पे क्या था, कलकत्ता से जो अपनी दादी है ना उनकी मदर जा रही थी कलकत्ता से मधुबन, दिल्ली से ट्रेन बदलना था, तो रास्ते में कानपुर से लेके दिल्ली तक कोई ऐसा स्टेशन नहीं था जहाँ भोजन मिल सके। तो चार बजे सवेरे मुझे भोजन लेके जाना था उनके लिए। तो आप सोचिए उस ज़माने में गैस चूल्हा नहीं था, पत्थर के कोयले सिगड़ी में जलाए जाते थे जिनको हैमर से तोड़ तोड़ के जलाना है, फिर जब वो अंगीठी खुली पक जाती जल जाता है तब भोजन बनाना। इतना करने के बाद हम चार बजे, कोई व्हीकल नहीं था तो आश्रम से दूर जा कर के जो रिक्शा मिलती थी बड़े चौराहे तक जाते थे, फिर वहाँ रिक्शा किया और चार बजे मुझे प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाना है टिकट लेके। तो जब चार बजे पहुँचे पाँच मिनट बाद गाड़ी आ गई। जब भोजन का टिफ़िन मैंने पकड़ाया तो कहा कि विद्या लाइयो, तो एकदम मेरे को क्लिक हो गया कि अगर मैं कहती हूँ नहीं तो भोजन लौटा देंगी, तो जो दो बजे से उठ करके मैंने मेहनत की वो जाएगी बेकार, और दादी जो है भूखी जाएंगी दिल्ली तक, कोई जगह नहीं जहाँ से भोजन लें, और सर्दी का दिन था। तो मैंने बिना कुछ सोचे बिना समझे हाजिर जवाब जी भोग लगाया है, और लगाया नहीं था तो उनको भी लग रहा था कि इतनी जल्दी कैसे लगा के लाई हो, विश्वास नहीं हो रहा था। फिर बोली सच बताओ तुमने लगाया है, मैंने कहा सच कहती हूँ मैंने लगाया है, पक्का मैं खाऊं भोजन, मैंने कहा आप खाइए निश्चिंत होकर खाइए मैंने भोग लगाया है, और मैंने भोग लगाया नहीं था। लेकिन उसके बाद से हमें इतना फ़ायदा हुआ उस झूठ से कि आज कभी भी किसी के लिए भी मुसाफिरी में जाना है, किसको स्टेशन भोजन देना है या कुछ भी है, तो पक्का बनाते जाओ और बाबा की थाली में निकालते पाँच मिनट बाबा को भोग लगा के फिर मुझे देना है। तो वो दिन है कि आज का दिन है, कुछ भी बना चाहे बीच में कोई टोली भी बनती है सब बाबा को भोग लगाते हैं, और लगाने के बाद ही वो स्वीकार होता है। तो वो झूठ ने हमारे को इतना पक्का करा दिया कि उसके बाद मुझे हर काम एक्यूरेट करना, कभी झूठ नहीं बोला, वो मजबूरी में बोला मैंने। लेकिन जो मम्मा ने बताया था सिखाया था तो मम्मा का रूप ही सब कुछ सिखाने का था। तो इसी प्रकार से जैसे चलने में
अगर किसी ने चप्पल की थोड़ी आवाज चली या चप्पल घिसट के चले तो सिंधी में मम्मा बुलाती, इधर आओ जी मम्मा, ये खितिर खितिर करके क्या चल रही हो, खितिर खितिर माना कहते ना फटफट करके चल रही, चप्पल की आवाज नहीं आनी चाहिए। मम्मा कहती थी कि देवताओं की चाल नहीं है ये, चप्पल को उठाए तुम चप्पल फटफट करो नहीं, ऐसे पांव रखो जो पता भी ना चले कोई चल रहा है, इस धरती को दुख नहीं देना है। मम्मा कहती थी तुम्हारी चाल से धरती को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, तो वो चाल भी मम्मा ने सिखाया कि चप्पल को कैसे उठाना है कैसे पैर रखना है। तो उस समय दिन में चट्टी होती थी जिसको चाकड़ी कहते यज्ञ में, और वो पट्टे वाली होती थी लकड़ी की, कलकत्ता से आती थी, तो वो चट्टी पहनना मम्मा ने सिखाया कि इसको पहन के भी चट चट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, पाँव दबा के कैसे चलना होता है वो मम्मा ने सिखा दिया चलना। तो मम्मा भी और बाबा पूरे यज्ञ में चट्टी ही पहनी जाती थी, जब कहीं बाहर निकलना है तभी चप्पल पहनते थे, चाहे किचन में जाना है कहीं जाना, पूरे लान में भी सब जगह चट्टी पहन के चलते थे, वो लकड़ी की होती थी। तो इस तरह से मम्मा और बाबा सभी परिवार वाले पहनते थे, तो चट्टी पहन करके आवाज़ ना आए जिसको खड़ाऊ भी लोग कहते हैं, तो इतनी शांति से चलना वो मम्मा ने सिखाया। और मम्मा कहती थी देखो कभी भी आना चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मम्मा स्वयं अथक थी। तो मम्मा ने कहा अलबेलापन आलस और थकावट ये अपने जीवन में कभी नहीं लाना है, और ये भी बताया कि थकावट होती कब है, थकावट होती नहीं है वास्तव में, अगर उमंग में उत्साह में बाबा की श्रीमत अनुसार चल रहे हैं तो थकेंगे नहीं। थकावट दो शब्दों से होती है, दो कारण से होती है, जब पता है कि कल की मेरी दिनचर्या बहुत टाइट है तो सवेरे संकल्प आएगा कि आज दिन भर रेस्ट करने को तो मिलेगा नहीं, बहुत वर्क है बहुत भाग दौड़ है, तो थोड़ी देर और लेट लें, वो दिन का कोटा अब सवेरे पूरा करेंगे, तो दिमाग में बैठा हुआ कि थकावट, और चलिए वो भी नहीं हुआ तो सारे दिन जो वर्क किया तो रात को जब चारपाई पे जाएंगे तब सोचेंगे आज हमने बहुत काम को रिवाइज करेंगे, और जहाँ रिवाइज किया वहीं थकावट आ गई, अगर रिवाइज नहीं किया तो थकावट नहीं आएगी। तो ये भी मैंने प्रैक्टिकल में देखा कि थकावट कब आती है, वो संकल्पों में आती है, थकावट अपने सोच में आती है, तो नहीं सोचा तो नहीं है, सोच लिया तो थक गए, तो अथक बन के रहना है। तो मम्मा ने कहा अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट बनाना है, जिसको खुली किताब या खुला पोस्ट कार्ड कहते हैं, लिफाफा नहीं बनाना है, क्योंकि लिफाफे में थोड़ा सस्पेंस रहता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या है, तो इतना अंदर बाहर स्पष्ट रहो पारदर्शी रहो, जो मन में सोचो वही बोलो और वही करो, तो उससे कभी बदलना नहीं है। तो किसी के मन में संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं इनके मन में मेरे लिए क्या सोच चल रहा है, पता नहीं इनके मन में क्या विचार चल रहा होगा, तो इसलिए हमेशा स्पष्ट पारदर्शी रहना है, अपने लाइफ को खुली किताब बनाना है। और जैसे करते करते कहते ना माँ जो होती घर की प्रथम गुरु होती है, तो माँ माँ भी, माँ शिक्षिका भी, और माँ प्रथम गुरु भी। एक बार मेरे से हंसी निकल गई ऐसे कोई, तो मम्मा ने बुलाया, मम्मा ने कहा कि देखो ये देवताओं की हंसी नहीं है, क्योंकि आदत होती थी खिलखिला के हंस देने की, तो मम्मा ने कहा कि देवताएं सिर्फ मुस्कुराते हैं, जोर से हंसना ये भी एक विकार है, कभी जोर से ब्राह्मणों को नहीं हंसना है, देवताएं कभी जोर से हंसते हैं क्या, हाँ असुरों के मुख जरूर ऊंचा हंसे जोर से, तो ये एक विकार है जोर से हंसना, इसको भी छोड़ देना है। तो उस दिन से हम कभी जोर से नहीं हंसे हैं, क्योंकि मम्मा ने बता दिया है कि देवताएं मुस्कुराएंगे, इतने जोर से खिलखिला के नहीं हंसेंगे। तो एक एक बात छोटी छोटी बात मम्मा सिखाती थी, छोटी छोटी बात, तो इस तरह से मम्मा हर एक चीज़ सिखाती थी, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, क्या कैसे करना है, तो वो मम्मा पूरा सिखाती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वैसे भी मम्मा को चलते फिरते, मम्मा कहीं खड़ी होती थी तो मैं जा करके मम्मा के साथ खड़ी हो जाती थी। फिर एक दिन वो भी आया, जब मम्मा कहने लगी कि तुमको अब सेवा पर जाना है और तुम्हारी डिमांड कानपुर के लिए बहुत है, गंगे दादी याद करती है, पत्र लिखती है कि मुझे वो हैंड्स भेज दो, क्योंकि उन दिनों में यज्ञ में हम ही इकलौते रहे, तो बाबा चलते फिरते बहुत महिमा और मुरली में भी महिमा करते थे, मेरा नाम बाबा ने कभी नहीं लिया, क्योंकि हमारे गांव का नाम जो रेवना था तो हमेशा बाबा रेवना बच्ची कहते थे, तो बाबा रेवना बच्ची करके बहुत सारी विशेषता जो मैं भी नहीं समझ पाती थी लेकिन बाबा महिमा करते थे, तो वो टेप में आता था, पहले टेप होती थी और वो टेप भर के आती थी,
सभी सुनते थे, तो बहुत जगह से हुई। लेकिन मम्मा ने कहा देखो फिर भी तुम कानपुर जाओ, ऐसे डिमांड तो बहुत लोगों की है। तो मम्मा ने हमको प्यार से सिखाया कि जब जाना तो कहाँ भी तुम जाओ, लेकिन सबसे पहले तो अपने विचार नहीं रखना कि मेरा विचार कहता है या मैं, मुझे मान मिले, मुझे शान मिले, मैं इतना करती हूँ तो कोई मेरी महिमा करे। मम्मा ने कहा नहीं, और कभी कभी तुम्हारे सामने पेपर आएगा और लगेगा कि जो अच्छे स्टूडेंट आते हैं वो तो बड़ी बहनें समझाती हैं, और जो साधारण आया, कोई बूढ़ी माताएं आईं, कोई जो है बुजुर्ग आया, अनपढ़ आया, गरीब आया, तो कह देंगे जाओ तुम इनका कोर्स कराओ। तो एक दिन तुम्हारे मन में संकल्प आएगा कि अच्छे अच्छे को तो खुद समझाते हैं और बूढ़े ठाड़े और ये इन सबको भिगोनी पड़ती है, पीसनी होती, भूननी होती है। मैंने कह दिया हाँ, तो दूसरी बहन कहती है कि हाँ तो कर दिया, कैसे कचौड़ी बनाओगी तुम, कहाँ रखी है। मैंने कहा रुको अभी मैं बताती हूँ। तो मैंने दाल लिया, तो छिलका उतरी हुई दाल को धो लिया और धो करके उस दाल को थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर दिया, भून सी गई और तुरंत ग्राइंडर कर दिया। ग्राइंडर करके भिगो के बढ़िया कचौड़ी मसालेदार बना भेज दी। सब लोग हैरान हो गए। मैंने कहा देखो मुझे ना नहीं करना, क्योंकि मम्मा ने सिखाया है तो मैं कभी ना नहीं कर सकती हूँ, कैसे भी मैं पूरा करूँगी। इसी तरह से चाहे कोई स्टेशन से पास हो रहा हो, समय कम हो, ट्रेन आने वाली हो, अगर कह दिया भोजन चाहिए तो कैसे भी हमने तैयार करके आज तक पहुँचाया। कानपुर से कोई भूखा नहीं गया, अचानक कहने वाला भी नहीं, तो दूसरा कहेगा ट्रेन तो आ रही, इतनी जल्दी कैसे भोजन तैयार हो जाएगा या चाय तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से लाइफ में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी मैंने जो है वो किसी को ना नहीं बोला है, तो हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार। तो यहाँ तक छोटी सी बात बताएं कि हमारा जो रत्न महल की बिल्डिंग है, अपार्टमेंट में बहुत लोग हैं और हर तरह का सहयोग है, मिलना जुलना है। तो मेरा नाम रख दिया था कि विद्या बहन तो हर दर्द की दवा है, हर मर्ज की दवा है, चाहे सिलेंडर कम हो, चाहे कोई किसी के पास कोई और दिक्कत हो। मैंने कभी नहीं सोचा, मैं कहती थी हाँ मैं अभी आपको अपना सिलेंडर दे देती हूँ, मैं देख लूँगी, आप पूरा कर लो। तो मैं चूल्हे से निकाल के भी अपना सिलेंडर दे देती थी। तो इसी प्रकार से किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने समझा कि नए नए रत्न महल में आए थे कि भाई क्या तो है तो कुछ जरूर होगा पूजा वाला। तो उन्होंने कहा दीदी मुझे कुछ चाहिए और मेरी माँ ने शरीर छोड़ा है तो लेटाना है, तो कुछ के ऊपर लेटाना है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, जब तक गाय का गोबर आएगा पहले आप अपनी ज़मीन को गोबर से लीप लो और फिर तब आप हमसे कुछ मंगा लेना। तो मैंने दुकान वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा जल्दी से रिक्शा करके कुछ हमें भिजवा दो अपने नौकर से, जो भी पैसा होगा रिक्शे का हम सब पूरा देंगे। तो कहने का मतलब अगर मेरे से किसी ने उम्मीद रखी है किसी भी प्रकार की, तो उसकी उम्मीदें पूरी की। मैंने ना नहीं बोला कि नहीं हो सकता। तो हर प्रकार से जो मम्मा ने सीख दिया वो काम हमने किया, और आज भी मम्मा की याद इतनी ताज़ी होती है। जिस प्रकार से जनवरी मास आता है तो बाबा का दिन याद आता है, बाबा 18 जनवरी अभ्यर्त हुए थे, और जब जून मास आता है तो मम्मा की याद आती है, क्योंकि हम इतने भाग्यशाली कहेंगे अपने को कोडो में। कोई मैं यहाँ से पार्टी लेके गई थी, जाना था गंगे दादी जी को, दादी ने कहा तुम चली जाओ पार्टी लेके, मैं फिर जाऊँगी। मैं कहा ठीक है, मैं पार्टी लेके चली गई। और जब पार्टी को लौट के आना था, और उन्हीं दिनों में मम्मा की तबीयत भी ख़राब थी, मम्मा की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि जो बॉम्बे से रमेश भाई का फ़ोन आया बाबा के पास कि बाबा मम्मा के लिए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि 3 महीना 4 महीना की है। तो बाबा ने कहा ये तुम मुझे क्यों बताते, तो तुम मम्मा को बताओ। अब विचार करो किसी को बताया जाए कि आपकी लाइफ 3 महीना की है, तो वो 3 महीना की लाइफ में तो घबरा जाएगा, मेरा क्या होगा, चारों तरफ संकल्प चलेंगे, इतना बड़ा यज्ञ है, इतनी सारी संभाल है, मम्मा सबको देख रेख करती थी, सुनाती थी, समझाती थी। तो मम्मा को बताया, लेकिन मम्मा बिल्कुल अचल और अडोल थी, मम्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मम्मा कहती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अंतिम घड़ी समझो। तो जो मम्मा सबको पाठ पढ़ाती थी वो अपने पर प्रैक्टिकल दिखाई दिया, और मम्मा हमेशा कहती थी कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, जो बाबा श्रीमत दे रहे वो मैं कर रही हूँ, जो वो करण करावा नार नहीं कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। और अगर कोई मम्मा की महिमा करता था तो मम्मा कहती थी ये तो पिता प्रसाद है, जो उस पिता ने प्रसाद के रूप में दिया वो मैं भी दे रही हूँ, इसमें मेरा क्या है। तो ऐसे ही मम्मा के अंदर इतनी दृढ़ता थी, ड्रामा पे इतना अटल निश्चय था कि जो हो रहा ड्रामा अनुसार। फिर मम्मा जब मधुबन आ गई, और वो लास्ट दिन था तब मेरी पार्टी की वापसी थी,
लेकिन इतना स्पष्ट बाबा ने भी नहीं बताया कि आज ही मम्मा जाएगी। तो मम्मा इतनी बीमार थी, मम्मा को उठा के तकिया लगा के बाबा ने बिठा दिया। जो बाबा ने अपने हाथों से अंगूर की बेल लगाई थी, तो बहुत बड़ा बगीचा था, जो अपना ये ना मेडिटेशन हाल ये सब अंगूर के बगीचे थे, जहाँ बाबा की झोपड़ी है, कुटिया है, वो अंगूर अभी भी थोड़े बहुत यादगार है। तो बहुत अंगूर आया था, इतना अंगूर आया था कि बाबा ने उन अंगूरों को गत्ते के बॉक्स में भर के, मैंने पहली बार सीखा कि वो सड़े नहीं तो सूजा लेके मोटा छेद किया अपने हाथ से, इसको हवा लगती रहेगी, और अंगूर के पत्तों के बीच में रखा कि उसको चोट न लगे अंगूरों को। फिर जितने भी सेवा केंद्र थे, बाबा ने सब जगह अंगूर भेजे, इतने अंगूर निकले टोकरे के टोकरे बॉक्स भर भर के। फिर चाहे पार्टी के भाई बहन आए थे और चाहे मधुबन के निवासी जो भी थे, तो बाबा ने कहा कि मम्मा आज अंगूर टूटा है और आपको बच्चों को अपने हाथ से खिलाना है। तो इतनी ताकत मम्मा में नहीं थी, लेकिन लास्ट दिन लाइन लगा करके बाबा के मम्मा के हाथ में अंगूर रखती थी लच्छू दादी, और बाबा हाथ को सहारा देके मम्मा से दिलवाते थे। तो मम्मा ने अपने हाथ से सबको अंगूर दिया, अच्छे से दिया और प्यार की दृष्टि दी। जब मेरी बारी आई दृष्टि लेके मम्मा के हाथ से अंगूर लेने का, तो मेरे से पूछा गंगे क्यों नहीं आई है। तो मैंने कहा मम्मा जब मैं जाऊंगी तब, उन्होंने कहा मैं बाद में आऊंगी। कहा अच्छा, तो मेरी गंगे को याद देना। मैंने कहा जी मम्मा मैं जरूर याद दूंगी। लेकिन जन जन की टिकट बनी थी, तो बाबा ने कहा वो भले जा सकते हैं, मम्मा से मिल लिया, मम्मा ने विदाई दे दी है, वो भले जा सकते हैं। तो हम तो चले आए, हमारे ट्रेन का टाइम, उसके बाद ही मम्मा ने शरीर छोड़ा। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो एक आश्चर्यजनक बच्चों के लिए बात हो गई, पर बाबा ने कहा कि किसी को रोना नहीं है, कोई मम्मा के लिए आंसू नहीं बहाएगा, सबको पक्का कर दिया। और चलो बच्चे अभी थोड़ी देर में मम्मा को हिस्ट्री हॉल में रखेंगे और वहीं सब योग लगाओ, और बाबा भी योग लगाएगा, बाबा भी ऑलमाइटी से लड़ाई करेगा कि मेरे बच्चों की माँ को क्यों ले लिया तुमने, माँ को क्यों बुला लिया, वापस करो। तो ये तो पता है कि वो शरीर रहने लायक नहीं है, लेकिन बाबा ने सबकी बुद्धि को इस तरह से बांध दिया और सब इसी योग में बैठे हैं। बाबा कर हाँ बच्चे इतना योग लगाओ कि मेरी माँ को बाबा वापस करो, और देखना लालमाइटी वापस करेगा। तो लास्ट तक यही चलता रहा, बाबा कहे मैं भी करता हूँ, मैं भी योग लगाता हूँ कि मेरी माँ बच्चों की माँ को भेजो। तो किसी ने एक आंसू नहीं बहाए लास्ट तक। बाबा ने कहा बच्चे कभी होपलेस नहीं होना, चिता से भी उठ के तुम्हारी माँ आ सकती है। फिर उसके बाद में एक बहन आई, उसका मम्मा से बहुत प्यार था, मुझे नाम भी याद है, तो वो वहीं गेट से जैसे होता ना रोना शुरू कर दिया। तो बाबा ने उसको जाके बहुत सीरियस रूप में कहा तुम यहाँ परेशानी करने आई हो, मतलब आप सोच प्रकट करने आई हो। वो बेचारी चुप हो गई। तो मम्मा के प्रति बाबा ने किसी को आंसू नहीं बहाने दिया। तो जैसे मम्मा अचल थी, अडोल थी और निश्चय था ड्रामा में, तो सब बच्चों को भी फिर बाबा ने पाठ पढ़ाया। तो इस तरह मम्मा का जो लास्ट दर्शन था वो भी हमको मिला, मम्मा के हाथों से ही प्रसाद मिला। जब साथ में रहे 6 महीना तब तो बहुत टोलियाँ खाई, लेकिन ये मम्मा के हाथ से अंतिम भी मिला। इसलिए मैं समझती हूँ कि मेरा बहुत बहुत सौभाग्य था। इसलिए जो माँ की पालना मिली है, बाबा की पालना मिली है, तो ऐसे ही कहेंगे कि समय रहते संगम युग पर बाबा ने हमको चुन लिया। जो सबकी पालना मुझे मिली, एक एक महारथियों की मिली, हमारा यज्ञ उस समय भरपूर था, सब दादियाँ सब दीदियाँ, बाबा मम्मा सभी दादे, तो ऐसा कोई नहीं रहा जिसको कि मैंने इन आँखों से परिवार को ना देखा हो। और हर एक में हर एक विशेषता है, तो हर एक में होता था। जैसे हमारी बड़ी दीदी की माँ कोई मदर थी, जो बाबा का रूम है वहाँ कुर्सी डाल के बाहर बैठी रहती थी, और बाबा ने सब बहनों को बोला था, दादियों को, कि कोई मदर को जो कोई भाषण करना सिखा देगा तो इनाम में मैं गिफ्ट में वो दूंगा चांदी का गिलास। लेकिन वो भाषण करना कोई नहीं सिखा पाया। और उनकी क्या था कि जो कोई उनके सामने से पास होता था, गुजरता था, पहचान है नहीं है, वो उसको प्यार से बुलाती थी, मिठरी इधर आओ, मिठरी इधर आओ। तो जब बुलाया जी, कहती देख तुझे जीवन में सफलता पानी है, तो कौन कहेगा मुझे नहीं सक्सेस होना है। कहती थी 3 बातें याद रखो, मर मर, झुक झुक और सिख सिख। कभी मुंह से ना मिले कि क्या हम ही मरते रहेंगे, हम ही को दबाया जाएगा। उनको तो कुछ नहीं कहते, उनको तो सिर चढ़ाया हुआ है, हम ही को कहा जाता है। तो कहती थी मर मर, हर बात में मर के चलो और हमेशा झुक के चलो। जो झुकता है ना तो वो दूसरों को भी उठा लेता है। तो कहती हमेशा झुक के चलो। और तीसरा सबसे सीखो। इसलिए दत्तात्रेय का मिसाल है कि उन्होंने 24 गुरु किए,
तो एक एक से सीखना है। तो ऐसे यज्ञ में हर एक से जो पालना लिया है वो आज दिन तक भी जीवन में काम आ रहा है और वो पालना ही है जो चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने के लोग ना देसी घी खाते हैं और वो बुढ़ापे में तभी इतना काम कर लेते हैं। तो मुझे भी जो मम्मा ने, बाबा ने, सभी परिवार ने एक शुद्ध घी कहें, शुद्ध प्यार कहें, शुद्ध ज्ञान कहें अथवा व्यवहार कहें, जो सब कुछ किया तो वो पालना मुझे चला रही है।